नमस्कार दोस्तों, ओमनिसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनिसेंट इंग्लिश के तहत 854वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि फिर से जो है एल वर्ड्स को लेकर जो है शुरू हो गया वीडियोस, क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं और ये लगातार वीडियोज़ चलते रहेंगे जब तक जेड तक का स्पेलिंग नहीं आ जाता है और बहुत लंबे समय तक। तो जिनको भी पढ़ना सीखना है तो वो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और जो भी आपके दिमाग में आपके सामने जो प्रश्न आते हैं इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश पढ़ने को लेकर या लिखने को लेकर या बोलने को लेकर, सभी सॉल्व होकर। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले ओमनीसेंट। एक और बात कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में ज़्यादा जानना, वर्णमाला के बारे में, तो अल्फ़ाबेट के ऊपर भी एक वीडियोज़ आने वाला है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट वर्णमाला आखिर है क्या, इसे डिटेल में। हालांकि हर एक वीडियो में तो आता ही है, लेकिन एक स्पेसिक सिर्फ स्पेसिक उसी पे वीडियोस बनेंगे, तो बात भी उसी पे होगी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी जरूरी है। देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है 26 लेटर होते हैं इसमें, और इसे ABCD के नाम से लोग अधिक जानते हैं और ABCD कहना पसंद भी करते हैं। इसके दो पार्ट कर दिए गए, जैसे AEIO और U। ये जो पाँच है दोस्तों, पाँच वोवेल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी पे पूरा इंग्लिश के जितने भी चेंजेस हो जाते हैं बुलाने बोलने में, उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, वो इसी के वजह से हो जा रहा है। अब देखेंगे जो पांच वोवेल है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पांच वोवेल, इसका उच्चारण करने कुल तरीका है। डबल ओ के साथ डबल ओ को और जोड़ देते हैं, डबल वोवेल। इसके साथ कुल उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से है। जी हाँ, 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं इसको। अब बताइए कि किसी व्यक्ति का, आप जानते होंगे कि आपके जो भी घर में हो लोग, एक नाम, दो नाम, तीन नाम हो सकते हैं। उसी तरह ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, हर लेटर्स का जो लेटर्स है वोवेल्स का, उसमें उसका 4 से 5 नाम है, यानी कि बोलने का, बुलाने का तरीका है। फेमस क्या है? AEIOU, जो कि मैं बोल रहा हूँ, जो कि आप देखते हैं, जो आप जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वर्ड्स मीनिंग में उसका उच्चारण हो जा रहा है, जिसके वजह से स्पेलिंग जो है लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मीनिंग उसका सही सही प्रोनंसिएशन नहीं हो पा रहा है। तो चले अब देखिए, जो बचता है 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट का। यहाँ भी कुछ इसी तरह का बात है 21, लेकिन उसका उच्चारण जो है 40 से 41 तरह से हो जा रहा है। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, लोग जानते होंगे, लेकिन टी को ट तच बोलते हैं, लेकिन च और स बोलते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते समझते बूझते हैं, इससे वर्ड मीनिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसको लेकर लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। उसी तरह देखिए वर्णमाला है, इसके दो पार्ट हैं। ये वर्णमाला है आपस में दोनों को लेकर, यानी स्वर को लेकर जो कि 14 होते हैं, व्यंजन को लेकर जो कि 36 होते हैं, दोनों को मिलाकर 50 हो जाते हैं दोनों का। इसलिए वर्णमाला को बताया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि हिंदी जो हमारे शब्द हैं इंडिया में, यहाँ भी हिंदी बोली जाती है, उन शब्दों का अंग्रेजी कैसे किया जाए, तो उनका अंग्रेजीकरण करने के लिए वर्णमाला पे पकड़ बनाना होगा, यानी कि स्वर और व्यंजन का जो भी है उसका अंग्रेजी में क्या क्या उच्चारण होता है उसको भी याद रखना होगा, उसका प्रयोग कैसे होता है उसको भी करना होगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों चलिए सबसे पहले आप देखते हैं वर्णमाला के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि हिंदी से ही इंग्लिश को सीखना ज़्यादा अच्छा होता है, पढ़ना है तो भी। मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी में किसी का नाम है रमेश, ठीक है, रमेश, तो क्या अंग्रेजी इसका क्या होगा? अब अंग्रेजी में तो वो रमेश का कोई अंग्रेजी नाम तो होगा नहीं, रमेश को रमेश ही बोलेंगे, लेकिन तभी तो पता चले कि हाँ रमेश। तो रमेश को लिखने के लिए RAMESH कर देते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, इसको हम लोग लिखते हैं रमेश इस तरह से, जब कोई बात होता है तो, बोलने में तो कोई बात नहीं लेकिन लिखने में तो ऐसे ही करना होगा। अब ये सब चीज़ जो है ज़रूरी है, वर्णमाला के ही ऊपर आपका डिपेंडेंट जो है, मतलब उसको जब तक आप नहीं से अच्छे से करेंगे आपको दिक्कत हो। आज भी आप मोबाइल में देखते होंगे बहुत सारे लोगों के मोबाइल में नाम गलत लिख पाते हैं, लिख लेते हैं, स्पेलिंग नहीं समझ में आता है, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। सभी लोग के बारे में नहीं, जो बड़े हो चुके हैं, जो जिन्होंने अच्छे से नहीं देखा है उनके बारे में। तो चलिए वीडियोस उन्हीं लोग के लिए है जो कि इंग्लिश नहीं जानते हैं। अब देखिए वर्णमाला जो है इसमें स्वर है, अभी तक लोग जो बच्चे लोग हैं 14 पढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ सॉरी 13 पढ़ते हैं, 14 मैं बता रहा हूँ,
अब देखिए इसका उच्चारण क्या है। अ, जिनको हिंदी सीखना है वो भी सीख सकते हैं कि उच्चारण क्या होता है। अ आ ई ई। अब देखिए इसे ह्रस्व ई बोलते हैं, इसे दीर्घ ई बोलते हैं, यानी छोटा है बड़ा है। उ उ इसे बोलते हैं ह्रस्व उ, इसे दीर्घ उ। री री ह्रस्व री दीर्घ री। तो ये जो 14वां के रूप में यहाँ पर शामिल हो जा रहा है, री बड़ी री। उसके बाद देखिए अंग्रेजी इस क्या होगा। अ के लिए ए का इस्तेमाल होगा, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। देखिए मात्रा चिन्ह को भी याद रखना होगा सभी जगह। आप जब शब्दों का उच्चारण करेंगे तो सभी जगह आपको सेम टू सेम स्वर नहीं दिखेंगे, इन स्वर के जगह इस्तेमाल किए जाते हैं मात्रा चिन्ह, जो कि यहाँ पर आ का कुछ नहीं होता है, आकार का ये मात्रा चिन्ह हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का इस तरह से होता है, ऊ छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये हो गया, री का ये हो गया, बड़ी री का यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखेंगे ए ए ओ औ अन अ। ए का ये हो गया, ए का ये दो ऊपर हो गया है ना, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर है एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया, और अह का जो है यहाँ पर जो है ये दो विसर्ग है। अब इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो ए का जो है ई लिखेंगे, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का एच। जो तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि याद करते समय अगर आपको याद करना है तो ये तीन भूल जाते हैं। अब रमेश लिखा गया कैसे, तो देखिए ए कार है, ए कार के लिए यहाँ पर ए कार यहाँ भी है, ई लिख दिया गया, तो ई है ना। अब ला आर के बाद जो रह है, रह के बाद जो रह का अंग्रेजी आर होता है, उसके लिए ए कैसे आ गया, क्योंकि कोई जब कोई भी अक्षर हो उसमें जब अ मिला रहता है तो ए लिखते हैं। अब यार अक्षर ये कंप्लीट अक्षर है, इसमें ए मिला हुआ, इसलिए ए लिख दिया, लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब चले बात करते हैं तो व्यंजन पे। तो व्यंजन जो दिख रहे हैं ये सभी के सभी अधूरे हैं, सभी के सभी इसमें हलंत अक्षर लगा हुआ, तो ये जो है हलंत लगा हुआ, और इस हलंत के कारण से ही आप इसका जो है उच्चारण करने में आपको असुविधा होती है। आधा क, आधा ख, आधा घ, आधा घ, इसी तरह से पढ़ते हैं, पूरा अक्षर नहीं, पूरा अक्षर नहीं। अब ये पूरा अक्षर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यंजन में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसी वजह से नीचे का जो अंग्रेजी लिखे हुए वो भी आधे अधूरे हैं। ये सब अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको सेट किया गया है। अब जाहिर सी बात है लंबे समय, 250 साल अगर इन्होंने राज किया है, तो उन्होंने हमारी जो व्यवस्था है हिंदी की, हिंदी में जो व्याकरण हमारा स्वर और व्यंजन, उसको उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक बदलने का प्रयास किया है। अभी भी सुधार की आवश्यकता है, और जो भी है वो धीरे धीरे होते ही रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अब इनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं। इसको कंप्लीट अक्षर समझ लेते हैं, व्यंजन को कंप्लीट अक्षर समझते हैं, जिससे कि गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखिए अक्षर क्या होता है, तो समझिए अक्षर, देखिए व्यंजन तो आप जानते हैं कि 36 है, आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, इसमें से कोई एक स्वर जोड़ दीजिए, व्यंजन में कोई एक स्वर जोड़ेंगे, स्वर पिछले स्लाइड में आपने देखा कितना था, 14 था, कोई एक जोड़ेंगे तो हमारा एक बन जाता अक्षर। अब चलिए अक्षर पहले बना सीखते हैं। अक्षर जो है मात्रा चिन्ह के साथ को कहते हैं अक्षर। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया प, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया व्यंजन, ये प आधा प है, इसमें मैंने आ जोड़ दिया, तब ये क्या हो गया पता है, पा हो गया। अभी देखिए ये है हमारा व्यंजन में अ है, व्यंजन अ है जो कि व्यंजन है प, और ये है आ जो कि स्वर है, ये है हमारा अक्षर जो कि मात्रा के साथ है। अब इस तरह से दोस्तों पी और यहाँ पर आ लिख देते हैं, तब हमारा होता है पी ए पा, है ना, प प्लस अ पा, तो ये पा है। अब पा एक अक्षर हो गया, मात्रा चिन्ह भी है इसमें जुड़ा हुआ है, तो पा और पा एक और पा इसी तरह से ले लेंगे तो पापा हो जाएगा, तो हमारा एक मान लीजिए यहाँ पर शब्द भी बन जाता है, दो अक्षरों के योग को जो है शब्द बोलते हैं। तो ये अक्षर में एक अक्षर और मिला दिए, है ना, कई अक्षर मिल सकते हैं, जैसा जाहिर सी बात है मैंने दो मिलाया, तीन चार पाँच भी हो सकते हैं, तो उनको मिला देने से एक जो है यहाँ पर जो है शब्द बन जाता है, जैसा कि एक छोटा दो अक्षर का शब्द था पापा। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, है ना, वाक्य। दोस्तों जाहिर सी बात है आप इसको समझें, अच्छे तरह से याद रखें, और इसको याद देखिए करना क्या है कि पहले व्यंजन याद रखिए, ठीक है, व्यंजन कोई भी अक्षर लिख, कोई भी नाम किसी हिंदी में लिखना, तो व्यंजन को याद रखिए,
व्यंजन सारे याद हैं, फिर जो है दोस्तों स्वर याद रखें जोड़ने के लिए, है ना, मात्रा चिन्ह डायरेक्ट जहाँ नहीं है वहाँ लिखने के लिए, या स्वर डायरेक्ट नहीं याद आ रहे उसको भी याद रखना है, उसका मात्रा चिन्ह को याद रखना है, मात्रा जो है मात्रा चिन्ह को याद रखना है, मात्रा चिन्ह याद रहेगा। अब दो चाहे चाहे स्वर आएगा चाहे मात्रा आएगा व्यंजन के साथ, और उनको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो है सो आपका केक बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, ठीक है, शब्द आए बन जाएगा, क्योंकि एक अक्षर नहीं बनाना है आप तो कई बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि लिखना है तुम, ठीक है, तुम लिखना है, तुम का मतलब अंग्रेजी तो होता है यू, लेकिन सिर्फ तुम लिखना है, तुम मैसेज करते हैं ना ऐसे, तुम यहाँ आओ, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। अब इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, लिखते भी इंग्लिश में है, लेकिन तुम कैसे लिखते हैं, तो TUM, अब ये कैसे भला बना, तो आधा ये त था, त के लिए यू के लिए जो ऊ आया, मात्रा चिन्ह यहाँ पर है, तो याद रखेंगे कि चाहे ऊ हो या यू, यू ऊ मात्रा चिन्ह, एम लास्ट में ए लिखेंगे जो है तुम हो गया। मान लीजिए रहता तुम्हारा, तुम हारा, तब कैसे कहते, तो वैसे ही रहता, देखिए TUM, अब यहाँ पर तो पूरा एम था, लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर आधा ही एम है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, अंत में तो लिखा ही जाता है, लेकिन मात्रा चिन्ह रहेगा तो लिखा जाएगा। हारा के लिए HA, क्योंकि आ है इसमें भी, और RA इसमें भी आ है ना, तो देखिए तुम, ये तुम्हारा है ना, तुम तुम्हारा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा समझ जाइए और अच्छे से करेंगे। तो चलें अब दोस्तों बात करेंगे हम अपने कॉन्सोनेंट पर। तो दोस्तों जो हमारा ये कॉन्सोनेंट है, कितने लेटर इसमें होते हैं, तो 21 लेटर होते हैं। ये कैसे, तो अल्फ़ाबेट से AEI O और U को हटा देते हैं, इतना ही तो हटाते हैं, फिर से देखेंगे AEI O और यू को हटाते हैं, जितने के जितने बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही तो होते हैं। अब देखिए ये कॉन्सोनेंट है, फिर से इसे मैं लिखूँगा हटाकर, तो 26 में से ये 5 गए, बचे 21, और ये जो लिख रहे हैं आपको BCDEFGHJKLMNPQRSTVWXY और Z है ना, तो इन सबको कॉन्सोनेंट बोला जाता है, न कि व्यंजन। इसका नाम है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट बोला जाता है, व्यंजन अलग हो गया। अब आप समझ चुके होंगे इसका उच्चारण यहाँ पर क्या होता है, इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ लिखा है बी को बा बोलते हैं, लोग जानते भी हैं क्योंकि हिंदी के बहुत ही करीब होने की वजह से इसका उच्चारण लोग ज़्यादा ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सी को का भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। डी को डा बोलते हैं, आपको बोलते हैं फ। जी को गा बोलते हैं, जा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हा। उसके बाद दोस्तों जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को बोलते हैं माँ, एन को ना और एन को नड़ा भी, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, और र को देखिए यहाँ पर जो है ड की जगह ड, यहाँ पर फिर से मैं लिखने का प्रयास करूँगा, ड समझिए कि ड नहीं र है। तो दोस्तों ये र और ड लोग समझ रहे थे इसलिए, क्योंकि यहाँ बिंदी का अभाव समझ के समझने की वजह से, तो ड है, और इसको सही बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं। टी को ट था तो बोलते हैं च, सही बोलते हैं। भी को व व, और डब्ल्यू को भी व बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ बोलते हैं। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से लेटर होते हैं उस पर भी चर्चा हो जाए। तो देखिए सी को लिए, सी को क बोलते हैं, स बोलते, स क बोलते हैं जब सी के साथ ई जुड़ता है, तब सी को स बोलते हैं। स्पेशल केस है, के से क होता है, और क के लिए और भी लेटर्स होते हैं, कह सकते हैं डबल कॉन्सोनेंट है, के फिर एक क्यू, क्यू यू ई और सी एच, इसको जो है सो का उच्चारण करते हैं। ऐसे जानते हैं लक में, क्यू में, क्वीन में, या कैरेक्टर में, ये सब वर्ड्स आते हैं, शुरुआती आते हैं। फिर कैसे भी का होता है, इसके बाद दोस्तों डी से ड तो होता है, ज भी होता है। अब जैसे DOG क्या बोलते हैं, डॉग है ना, डॉग बोलते हैं, लेकिन अगर LODGE रहे तब क्या पढ़ेंगे, लॉज। डी को यहाँ पर ज उच्चारण करते हैं, या वैसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझिए GRADUE
एटी रहे तब क्या पढ़ेंगे, डी को जा पढ़ेंगे ग्रेजुएट, है ना। इसी तरह से तो च के लिए जो है टी यू का इस्तेमाल करते हैं और स के लिए टी आई का। अब जैसे देखें यहाँ पर कि टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल और टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी आई से देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई ए एल को बोलते हैं शियल। तो यह है चूअल, यह चर, यह शन, यह शियल, इससे वर्ड्स बनते हैं जैसे एक्चुअल है ना, फैक्चुअल, चर से बनने नेचर, फर्नीचर, सन से एक्शन, कंडीशन, सेल से सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल जैसे लेटर्स। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते ही है, ई एक्स से भी एक्स को एक्स ही बोलते हैं, कैसे, तो एक्स का जो उच्चारण है ई एक्स के रूप में अगर बात करते हैं तो ई एक्स सी यू एस ई एक्सक्यूज हो जाता है, अगर एक्स को एक जो बोलते हैं जो कि एक जो भी पढ़ा जाता है तो इस तरह से पढ़ते हैं ई एक्स ए एम एग्जाम। वैसे एक्स का उच्चारण एक्स होता है, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं, जब फॉक्स रहे सिंगल एक्स रहेगा तो फॉक्स, लेकिन ई एक्स से जो कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो एक्स बोलेंगे एक भी बोलेंगे। ये सब चीज़ है, र को उड़ा भी बोलते हैं और ड भी बोलते हैं। अब इसे बड़ा, आपने कभी कोलकाता के बड़ा बाजार का कभी रुख किया है तो आप वहाँ अच्छी तरह देखेंगे पहले अंग्रेजों का क्या देन है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अजीब सा र को र इस्तेमाल करते हैं, बड़ा में र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ड इस तरह से लिखते हैं, अड़ा, ठीक है, बड़ा ऐसे लिखते हैं बड़ा। तो कहीं जाहिर सी बात है आप जब देखेंगे समझेंगे तो र को ड़ा क्यों बोला गया, क्यों है। अब चले आगे बढ़ जाते हैं कॉन्सेंट के बाद, तो बढ़ते हैं वॉवेल्स पे। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और तभी आप किसी वर्ड्स को पढ़ पढ़ते हैं, ये निरंतर प्रयासों के द्वारा ये संभव है कि जब कोई भी स्पेलिंग कोई भी टेक्स्ट पढ़े जाते हैं इंग्लिश में तो एक्चुअल वो पढ़ते नहीं हैं उसको, सिर्फ रीड क्या करते हैं, देख कर पढ़ते हैं, ना कि रीडिंग देते हैं, रीडिंग कौन देते हैं, जो बहुत ही कम पढ़ते हैं वो रीड करते हैं, लेकिन जो रेगुलर पढ़ते हैं वो वॉच करते हैं, यानी कि देखते हुए बोल देते हैं, देखते जैसे कि किसी व्यक्ति को हम लोग देख लेते हैं उसको बोल देते हैं, आप उनका नाम बोलते हैं, घर में आपके भैया है बहन है उनका नाम बोलते हैं, अब ये नहीं देखते कि देखे तो आपका चेहरा कौन है आप, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वही शौक भीड़ में आप खोजने भी लगते हैं तो वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जब कोई चीज़ टेक्स्ट रहता है तो उसको हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ देख कर ही पढ़ने लगते हैं, क्योंकि दिमाग इतना हम लोग का इंटेलिजेंट है कि पढ़ने की शुरुआती ज़रूरत होता है, लेकिन बाद में सीख जाने के बाद दिमाग खुद ब खुद अभ्यस्त हो जाता है। अब इसे देखिए ए है, ए को कितने तरह से उच्चारण किया गया है, यहाँ देखिए जिसमें ए को क्या बोला गया, खास तरह से ए को ए उच्चारण किया गया। चलिए तो दोस्तों अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने कुछ कहीं पर देखा वर्ड मीनिंग और मैंने लिख डाला, ठीक है, आपको भी कहीं से खोज कर लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग देखें और कैसे प्रैक्टिस करना है इसकी तो लास्ट में चर्चा होगी ही। जैसे कि ये वर्ड मीनिंग है, दूसरा वर्ड मीनिंग इस तरह से है, स्पेलिंग को देखिए, तीसरा जो वर्ड मीनिंग, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखेंगे यहाँ पर कि इन सबको क्या उच्चारण करते हैं, यानी कि पढ़ते क्या, पहला वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं मेडल, क्या पढ़ते हैं मेडल, अब इसको मेडल ही पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि बेसिक है, बहुत छोटा सा वर्ड है, सभी लोग जानते हैं कि मेडल पढ़ा था, यानी ए को ए तो यहाँ नहीं पढ़ा गया, मेडल ए को यहाँ पर अ पढ़ा गया, अ। दूसरा वर्ड मीनिंग है मास, यहाँ पर ए को ए नहीं पढ़ा गया, आ पढ़ा गया, मा पढ़ा गया, आ, है ना, ए जो है आ के रूप में हुआ मास। तीसरा वर्ड मीनिंग है मैन, तो ए को यहाँ पर ए पढ़ा गया है, ना कि ए। चौथा जो है मेड, ए के बाद यह है तो ए पढ़ा गया है। इस तरह से जो है सब वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण हुए। अगर बात कर लेते ई की तो देखिए यहाँ एम ई एन, ठीक है, एच ई ही या पी ई आर पर, है ना, तो पढ़ सकते हैं एम ई एन मेन होता है, यानी कि ए उच्चारण हुआ है, एच ई ही होगा यानी बड़ी ई के रूप में उच्चारण हो, जो कि यही एक्चुअल उच्चारण है ई ई, है ना, पी आर पर,
यानी कि ये वाला अवचान हुआ, यहाँ पर ई जो है अवचान हुआ। अब देखिए उसी तरह देखिए एस आई जी एन साइन, आई का उच्चारण यहाँ पर आई हुआ है, करेक्ट। अब आई तो बोलते ही हैं, आई है भी यहाँ पर। और देखिए उसके बाद देखिए टी आई एन, क्या बोलते हैं टीन, चोटी का उच्चारण चोटी के, ई का उच्चारण आई का ई के रूप में हुआ। या आप इस तरह से पढ़े एस आई आर, आगे का भी स्पेलिंग होता है लेकिन यहाँ पर सरकम्स, यह का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, सरकमस्टेंस वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। अब देखिए ओ वाला क्लिक चलते हैं, एस ओ एन सन, ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, या एस ओ, ठीक है हिंदी लिख लेते हैं एन ए टी ए सोनाटा, लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड नहीं हिंदी वर्ड है, हो सकता है हिंदी में यूज हो रहा है इंग्लिश वर्ड भी हो, लेकिन ये एक ओ का रूप में यहाँ पर उच्चारण हुआ। या आप इस तरह से पढ़ते हैं टी ओ एम टॉम, टॉम, तो ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, तो कभी कभी ओ जो है औ इस तरह से भी लिखा जाता है ओ, इसका मतलब यही होता है टॉम। या देखिए एस यू एन, यू एन का मतलब है सन होता है, यू से अ उच्चारण हो रहा है, या आप कर सकते हैं टी यू एन ई, ट्यून में यू का उच्चारण यू हो रहा है ना, तो ये है। अब इसका भी देख लीजिए F L डबल O के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं F L डबल O D, इसका मतलब क्या होता है अ हो रहा है, फ्लड उच्चारण हो रहा है फ्लड। और R M R यहाँ पर लिखते हैं R डबल O M रूम, यानी बड़ी U का उच्चारण बड़ी U के रूप में हो रहा है डबल O का। तो इस तरह से दोस्तों आपको सीखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और ये देखिए कुछ वर्ड्स जो कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था उसका यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ लगातार बने रहे, कैसे पढ़ा जाता है, लेटेंड, लेट लेटेंड, नेक्स्ट है लेटेंट्स, नेक्स्ट लेटर लेटरड, नेक्स्ट है लेटरल, नेक्स्ट लेटरन, नेक्स्ट ले टेस्ट, नेक्स्ट है लेटेक्सेस, लेट गल लेथन्स, फिर देखिए लेथीस लेथेम्स लेदर्स ले लेदरी, नेक्स्ट है लेदियो, फिर देखिए लेथिंग लेथ्रोप लेटिसेस लेटिगोस लेटीला लैटिमो लैटिनस लैटेंस लैटिनली लैटिनोस लैटिन लैटिंक्स लैटिटैट लैटोनिया लैटोसोल लैटोर्स लैट्रेंट लैट्रियस लैट्रेन लैट्रंस। देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, हालांकि बगल में हिंदी भी लिख दिया है, लेकिन अगर इस तरह से आप उच्चारण करते हैं और वर्ड्स को देखते हैं कैसे कैसे लिखा गया है, क्यों वो पढ़ा गया है, तो समझ में आएगा, नहीं तो लास्ट वाले तो वो देखेंगे ही। अभी देखिए लैटसंस, नेक्स्ट है लैटेंस लेटेंस, फिर देखिए लैटिस लैटेंस लैटवियन लवर्स लाउडर्स लाउडिंग लाफर्स लाव्ड लाफर लाहला लॉन्स्ड लॉन्सेस लॉन्डर लॉन्ड्री लॉरेट लॉरेल्स लॉरियस लॉरेल्स लॉवर्स लॉ वाइन लॉजन्स लव ऑफ्स लव लवगेड लवगेस लवशंस लवर्स
लावर्ना, लावेरीज, लेवेंस, लेवेंस, लावीनिया। नेक्स्ट देखिए, लेस्टर्स, लेजर, लेट्रिम, लेड्स, लेकेनिक, लेकिंग, लेकवास, लेकिथी, लेमाकोट, उसके बाद देखिए लेम्बकेस, लेमरेस, लेमरीज, लेमिंग्स, ले मायर्स, लेमलीज, लेमेटा, लेमर्स, लेमिंग, लेमनियन, लेमनियट, लेमंड्स, लेमंड, लेमपीरा, लेम्योर्स, लेहियम, लहंगा, लेहाइक्स, लेहमेंस, लेहनर्स, लेज, लेडर्स, लेजर, लेजर, अरे लेफर्स। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो है कम से कम अपने 99 वर्ड्स को देखे हैं और देख चुके हैं। अब इस तरह के वर्ड्स कैसे लिखे गए, कैसे पढ़े गए, जाहिर सी बात है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जब पढ़ेंगे इसी तरह के वर्ड्स तो अब जाहिर सी बात ये रूप डे बाई डे 99 वर्ड्स एक बार सुनने को मिलेगा तो तरह तरह के वर्ड्स आपके दिमाग में चढ़ने लगेगा। तो चलिए अब जो है अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो हमने चैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या है 1000 यानी कि 1047वां वीडियो है। अगर आप ये वीडियो लेट से देखें तो संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि डिक्शनरी के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो उसका भी लिया है मैंने, स्क्रीन शॉट लेकर लिखेंगे। और जो ग्रामर के रूल रेगुलेशन नहीं याद करके आप जो है सेंटेंस के फॉर्मेट को याद करेंगे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर को याद करेंगे, लिख वो भी कैसे वो याद भी नहीं करना है आपको, बस एक एफ कॉपी लेना है उस पर आप गो वीडियो जब देखेंगे तो एफ स्क्रीन शॉट लेकर लिखेंगे, लिखते समय बोल बोल के लिखना है, कॉपी भी इस तरह तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अगले स्लाइड में अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे वो देखेंगे बहुत ही तेज़ी से। दोस्तों ये जो स्लाइड चल रहा है इस स्लाइड के थ्रू हम लोग पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करेंगे और रोज़ इसी तरह से जब हर एक इस तरह के वीडियोज़ आते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात होती ही होती है, तो कैसे किसी वर्ड्स को पढ़ना है पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं, कुछ एक आध वर्ड में पढ़ते हैं, आखिर उनको अगर सुधारा नहीं जाए तो वो ऐसे ही लगातार बने रहेंगे, वो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ उन्होंने क्या गलतियाँ आज तक की है या क्या गलती हो रही है। तो हमारे साथ देखें, पढ़ें और स्क्रीन शॉट लेकर एक बार फिर से उसको पढ़ें। अगर नहीं समझ आए तो फिर हमारे वीडियोज़ को फिर से रिपीट, सिर्फ इसी पार्ट को करें कि कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा होती है। तो जैसे मान लीजिए कि टी डिटेड है, ये एक पार्ट्स है जो कि अंत में आए से सफिक्स बोलेंगे, या अब इस तरह से समझ से देखिए टी एंड सन जो है ये भी एक पार्ट है जो कि अंत में इसे सफिक्स बोलेंगे। एस यू वी सब जो है ये शुरुआत में आए ये प्रीफिक्स पार्ट बोलेंगे इसको। आई एन इन जो है इस शुरू में आए इसे प्रीफिक्स बोलेंगे। सी यू एम कम जो है ये शुरुआती आए से प्रीफिक्स बोलेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा वर्ड्स को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं समझने के लिए। तो देखिए ये मेनी, मेनी मो, मेनी मोर पीपल वर, अब इसको लोग अभी तक वेयर ही पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ें अगर आप वेयर पढ़ते हैं तो एसो सीएटेड इन डायरेक्टली चैलेंजेज फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कम्स यू कम पीटिशन इन द इंटरनेशनल, ये कॉल बोलते हैं मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपीटीटर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर, ई आर क्वार बोलते हैं तो ई आर से आर हो गया, ओ से अदर कंपीटीटर्स
लाइक अब देखिए हिंदी के नाम है कुछ देश, कंट्री का नाम है यहाँ पर कैसे लिखा गया है, बांग्लादेश को तो हिंदी में लोग लिखते हैं, बोलते भी हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश अब स्वर और व्यंजन का जानकारी होना चाहिए तभी तो लिख पाएंगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाते अब इसको। बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग टू एस्टिम्यूलेट, एक बाद ही है एक वचन, एक रुपये हुआ एस्टिम्यूलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू द डाइवर्सिफाइड। इन 2005 नेशन के साथ अल जुड़ गया नेशनल क्वालिटी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंश्योरिंग गुड्स प्राइजेस टू द जूट फार्मर्स एंड, है ना, ईयर भी है, यहाँ भी ईयर है, एनहैंसिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर एंड इनहैंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। इस तरह से दोस्तों पढ़ना सीखे। अब देखिए जिनको भी फिर से मैं बता दूं कि जो वोवेल्स हैं उनको याद करने में दिक्कत होगा, तो एक बात को याद रखिए, सभी वोवेल्स हैं, सभी वोवेल्स को कोई भी वर्ड मीनिंग आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अ आ को ध्यान रखें, ई आई भी को ध्यान रखें कि ई से अ आ ई और ए भी होता है और आई से अ आ ई और आई भी होता है, ओ यू को अगर मिला लीजिए यहाँ पर तो ओ से अ आउ, यू से अ आउ और डबल ओ से आ ऊ होता है, तो यहाँ देखिए ओ यू डबल ओ आ आउ आउ आउ। अब देखिए यू है, यू यहाँ लिखा हुआ है, ओ ओ लिखा हुआ, आई आई लिखा हुआ है, ई के लिए यहाँ पर है दो गो और ए को ए लिखा हुआ। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, मान लीजिए कि आपको कुछ वर्ड्स आते हैं पहले से पढ़ने, जैसे यहाँ से ए से ई से आई से ओ से यू से मुझे पढ़ने आ रहे हैं, आप जो है जो जिस जो भी वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं 200 वर्ड्स कम से कम कलेक्ट करिए और रोज़ जो है दोस्तों 20 वर्ड्स पे आप डेली काम करिए। जी हाँ, सो डेली 20 वर्ड्स लीजिए और जब वर्ड्स ले लेंगे तो करना क्या है कि आपको एक तो स्पेलिंग लिख लेना है, उसका उच्चारण क्या होता है इसको चेक करना है उसको ऐसे, तो जैसे कि आपको तो एक ही बार में पूरे भवेल्स को देखना होगा लेकिन मैं सिंगल सिंगल यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ए के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे खोजना है ए को, जैसे ए को क्या पढ़ा गया है तो ए को आ पढ़ा गया है, कंपनी में सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया है तो आ पढ़ा गया है, केयर में ए को क्या पढ़ा गया है तो ए पढ़ा गया है, मैप में ए को क्या पढ़ा गया है तो ए पढ़ा गया है, ये मैंने ए का देख लिया। अब मैं ई का देखूंगा जब बाले कोई वर्ड मीनिंग में ई भी आ जाए, हालांकि यहाँ ई वाला ही है तो परफेक्ट में दो ई है, पहला ई को आ पढ़ा गया है ना, पहला ई को आ पढ़ा गया, दूसरा ई का उच्चारण एक रूप में हुआ है ये मैंने देख लिया। प्रीफिक्स में जो ई है इसको ये छोटी भी पढ़ सकते हैं बड़ी भी पढ़ सकते हैं ये भी मैंने चेक किया। टेन में जो ई है उसका उच्चारण एक रूप में हो रहा है ना, उसके देखिए एस आई एस आर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, एफ आई जी फिक में आई का उच्चारण क्या हो रहा है छोटी के रूप में हो रहा है, टी एन टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो बड़ी के रूप में हो रहा है, लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है आई के रूप में लाइन, है ना। अब देखिए इसके बाद एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है अ के रूप में हो रहा है सन, आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है अ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, मोटो में दो है एक एम के साथ दूसरा टी के साथ तो ओ ही उच्चारण कर रहे हैं मोटो, ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो आ पढ़ रहे हैं, पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो ऊ पढ़ रहे हैं, ट्यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो ई यू पढ़ रहे हैं ट्यून, फ्लड एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं डबल ओ को दोस्तों आ पढ़ रहे हैं फ्लड, ना कि फ्लूट पढ़ते हैं फ्लड पढ़ते हैं तो आ होगा, आप लुक में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो ऊ पढ़ रहे हैं। इस तरह से तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको देखेंगे कि अगर 20 वर्ड डेली लेते हैं तो भी 11वें दिन जो है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि भाई कैसे होता है, ठीक है, कैसे किसी वर्ड्स को उच्चारण होता है और ईजिली आप पढ़ पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत जरूरी है, घंटी को दबाइए तभी पता चलेगा वीडियो की कब आता है, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दो
प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, ध्यान के, धन्यवाद। थैंक्स।